मलेरिया, मलेरिया बीमारी और मलेरिया का जो फैक्टर है वो फैक्टर इसका है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया बीमारी होती है। तो मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम कहाँ से फैलता है? मच्छर को काटने से। तो जब शरीर पर मच्छर आकर बैठता है, तो शरीर पर मच्छर आकर बैठता है तो जनरल मच्छर ना, ये ना कि कोई भी मच्छर आया तो उससे आप डर जाइए कि मलेरिया हो जाएगी, एकदम नहीं। वो मच्छर जिसका नाम है मादा एनोफिलेज मच्छर, फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो, जब हमारे शरीर पर बैठकर हमारे शरीर में अपना डंक डालता है तो उसके लार से हमारे शरीर में इंट्री कर जाता है प्लाज्मोडियम। देखिए, मच्छर काटेगा, खुजली होगी, खुजलाइए और उसको भगाइए ना, खुजली करके छोड़ दिए तो फिर आपको काम बना देगा भाई। प्लाज्मोडियम उसका नाम है, किस में? जो उसके लार में रहता है। ऐसे दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा कि वो कुछ दिया है हमें, लेकिन वो बहुत कुछ दे देता है मच्छर अपने लार से, और जो बहुत कुछ देता है उसका नाम प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होती है। डॉक्टर के यहाँ जाते जाते परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर सुई भोंक भोंक के प्राण ले लेगा, मच्छर को भोंकने, और मच्छर को यानी भोंकने के बाद बताइए डॉक्टर भोंकेंगे क्या? भोंकेंगे इंजेक्शन, नीडल डालेंगे शरीर में, और वो अच्छा डॉक्टर के पास नहीं ना जाइएगा तो और नतीजा खराब हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर को पहले भी चुनाव कीजिए कि कैसे डॉक्टर के पास इलाज करानी है, नहीं तो वो जांच कर करके दिक्कत कर देगा, क्योंकि इसका एगो टाइप्स ना होता है, जिस टाइप का इलाज होगा वो टाइप चेंज हो जाएगा। अब बताइए, अब लगेगा ही नहीं कि बताइए हम इलाज करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। वो जानिए कि कैसे कैसे स्थिति होती है इसकी। टाइप्स, मलेरिया का टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया का जो टाइप्स है वह मलेरिया का पूरे चार टाइप्स है। मलेरिया जो बीमारी है वह बीमारी चार तरह से उसको हम जानते हैं। तो मलेरिया बीमारी को जानकारी रखना हो तो चार प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, पूरे चार प्रकार से मलेरिया को याद करते हैं। तो पहला जो मलेरिया का जो टाइप्स हैं उनका नाम है बेनाइन टर्सन फीवर। यहाँ लिखते हैं टाइप्स में, पहला जो है इसका उसका नाम है बेनाइन टर्सन फीवर, सब में बुखारे रहेगा, बेनाइन टर्सन फीवर। और पता है किसके द्वारा होता है बेनाइन टर्सन फीवर? सब देखा, सब मच्छर को काटने से होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई और जानवर को काटने से होगा, सब मच्छर को काटने से होगा, और भी फीमेल। मेल के चक्कर में मत रहिए, आजकल मेल को काटने से कुछ हुआ नहीं, जब कुछ हुआ वो फीमेल को काटने से हुआ, और भी फीमेल के बारे में हम बताएंगे, एक ही को नहीं और भी है। तो इसमें बेनाइन टर्सन फीवर जो होती है वह मच्छर को काटने से, लेकिन मच्छर में भी जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम का पूरे चार वर्ग हैं। प्लाज्मोडियम तो मेन फैक्टर है, और प्लाज्मोडियम चार तरह के, और चारों चार तरह से बुखार लाता है, मलेरिया फीवर। तो यह जो याद रखेगा, बेनाइन टर्सन जो फीवर है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम, शॉर्ट में बाइबेक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स के द्वारा होता है। तो प्लाज्मोडियम बाइबेक्स के द्वारा जो बीमारी होती है उसका नाम है बेनाइन टर्सन फीवर, बाइबेक्स के द्वारा। यहाँ इनक्यूबेशन पीरियड है, काटने के बाद उद्भवन काल इसको कहते हैं। कौन काल? उद्भवन। उद्भवन माने उत्पन्न होने का काल, उत्पन्न होने का काल। जैसे आज आप परीक्षा दीजिएगा तो रिजल्ट आज ही मिलेगा, नहीं ना, टाइम लगेंगे ना, तो उसी तरह मच्छर आज काटा है तो जितना दिन के बाद वो बुखार आएगा उसको उद्भवन काल कहते हैं, उद्भवन काल। इनक्यूबेशन पीरियड याद रखें ना, इनक्यूबेशन पीरियड माने उत्पन्न होने का जो गुण है, जो उत्पन्न होगा, तो काटा आज तो फिर बीमारी कुछ दिन के बाद होगा। तो कितने दिन बाद ये बीमारी आएगी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से? 10 डेज, याद रखना है, कितना डेज? 10 डेज, यानी 10 दिन में बीमारी आ जाएगी। तो 10 दिन में जो बीमारी आ जाएगा वह कौन सा बीमारी आएगा? बेनाइन टर्सन फीवर, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा, और यह काटने के बाद 10 दिन पर यह बीमारी आएगा शरीर में। दूसरा है मैलिग्नेंट टर्सन फीवर, दूसरा इसका जो है उसका नाम है मैलिग्नेंट
टर्सन, मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट टर्सन, और एफ से फीवर, तो मैलिग्नेंट टर्सन फीवर। तो मैलिग्नेंट टर्सन फीवर ये किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा, पी से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नाम देखिए कितना अच्छा लग रहा, फैल्सीपेरम, जो फैले से पेरम, तो फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम ये हो गया तो बताइए खूब पेरा जाइएगा, तो इसलिए फैल्सीपेरम द्वारा होता है मैलिग्नेंट टर्सन फीवर। मैलिग्नेंट टर्सन फीवर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा, और यह काटने के बाद ये भी 10 दिन पर उत्पन्न होगा, इसका भी उद्भवन काल 10 दिनों का है। तो ये हो गया फैल्सीपेरम, मैलिग्नेंट फैल्सीपेरम। तो मैलिग्नेंट फैल्सीपेरम जो बीमारी हुआ वो किसके वजह से हुआ? फैल्सीपेरम, मैलिग्नेंट टर्सन फीवर किसके द्वारा हुआ? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा हुआ। इसका भी उत्पन्न होने का जो समय है वो 10 दिनों का है। तीसरा इसमें मैं बात करता हूँ, तीसरा, तो इसका जो तीसरा है वो मिल्ड टर्सन फीवर है, मिल्ड टर्सन। तो इसका जो तीसरा बीमारी है उसका नाम है मिल्ड टर्सन, मिल्ड टर्सन फीवर। तो मिल्ड टर्सन जो फीवर है वो मिल्ड टर्सन फीवर किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम ओवल द्वारा। आसान नाम है, याद हो जाएगा, प्लाज्मोडियम ओवल के द्वारा बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम होगा मिल्ड टर्सन फीवर, मिल्ड टर्सन फीवर। प्लाज्मोडियम ओवल याद रखे, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो प्लाज्मोडियम ओवल के द्वारा होगा, इसका उद्भवन काल 14 डेज का है, ये 14 दिन में उत्पन्न होगी, 14 डेज इसका टाइम लगेंगे, तो 14 डेज में उत्पन्न होगा ये बीमारी। नेक्स्ट इसका है जिसका नाम है क्वार्टन फीवर, क्वार्टन फीवर इसका है जो चौथा है, तो चौथा जो इसका है वो क्वार्टन फीवर है, क्वार्टन, क्वार्टन फीवर। तो क्वार्टन जो फीवर है वो क्वार्टन फीवर के नाम से है, और क्वार्टन फीवर भी प्लाज्मोडियम से ही होता है, सब प्लाज्मोडियम से ही है, सब मच्छर को काटने से ही है। अब सोचिए डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, आप गांव से हैं, तो पहला बीमारी आपका हो जाए तो पहले आप कहाँ जाइए? एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ, नहीं ना। अब वो डॉक्टर बेचारे उतना तो जानकार है नहीं, वो आपको बताइए हाथ का नब्ज देखेंगे, बुखार पता लगाएंगे, आपको पहले दवा देंगे, ठीक है, दवा से ठीक नहीं होगी तो फिर वो आपको इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन से तो कैसे ठीक होगा? आप जांच करवाइएगा कि कौन सा मलेरिया, खाली कहने से नहीं ना होगी, मलेरिया में ये भी तो जानना है कि मलेरिया में भी हुआ है तो कौन सा टाइप्स है, वो टाइप्स तक जाइए, आप डीपली जाइए, टाइप्स को पकड़िए, और जब टाइप्स पकड़ाएगी तो बीमारी आसानी से ठीक हो जाएगी, इसलिए टाइप्स पकड़ना होता है। तो क्वार्टन जो फीवर है वह देखिए, इसका नाम आसानी से याद हो जाएगा, इसका नाम है प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम मैलेरी याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम मैलेरी, कुछ नाम है प्लाज्मोडियम मैलेरी। इसको काटने के बाद इसको 27 से लेकर 37 डेज बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा, इतना दिन तक निश्चिंत हो जाएगा कि आपका हमरा होते अब होवे न कर, हो जाएगा, तुरंत का तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, बहुत धीरे धीरे प्रोन्नति करता है, तो अब बीमारी फैलता है, तो बीमारी होगा, घबराइए नहीं, होगा, और ये अच्छा चीज़ है क्योंकि अल्लाह बताइए इंतजार कीजिएगा कि कहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं, दिमाग में हटा देना चाहिए कि बताइए ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, मजबूत रहिए ना, हो सकता है कि आप सोच में मजबूत रहेगा, जब आप सोच में मजबूत रहोगे तो पता चलेगा कि जो बीमारी आया वो बेचारा ही दब गया, प्लाज्मोडियम आया का कि सुपड़ा साफ हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि आप डर जाते हैं और डर के मर जाते हैं, नहीं, क्योंकि डर ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कमज़ोर पड़ जाए, वो आपका एंटीबॉडी मजबूत हो जाए, और आपका एंटीबॉडी मजबूत हो जाएगा तो बीमारी को एकदम तहस नहस कर देगा, चौपट कर देगा, और बीमारी का ही वो निशान तो रहवे नहीं करेगा, वो पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा, और फिर पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप कंप्लीट हो जाओगे। कहाँ वो फीमेल गया? देखिए फीमेल को मारना है तो मेल को मजबूत होना पड़ता है, कहने का मतलब है कि मेल आपका शरीर का एंटीबॉडी हो गया और फीमेल उस मच्छर का फैक्टर हो गया, तो फीमेल को नष्ट करने के लिए आपको शरीर का एंटीबॉडी इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा, शरीर का एंटीबॉडी मजबूत होगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी तो प्लाज्मोडियम दूर भागेगा, दूर भागेगा। Yeah!